हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आज आपको कुछ परमानेंट फ्लावर प्लांट्स बताऊंगी जो मेरे गार्डन में खिले हुए हैं और इतनी टेम्परेचर में भी वो ग्रो होंगे और फ्लावर्स देंगे। तो कितने फ्लावर्स मेरे यहाँ हैं और कौन से हैं जो समर में भी मेरी यहाँ अच्छी फ्लावरिंग कर रही है, चलिए मैं दिखाती हूँ। तो पहले मैं शुभ फ्लावर से ही करूँगी। ये है अपराजिता ब्लू एंड वाइट में। तो ये वाला जो है, आप बहुत गर्मी भी सह सकती है ये और अच्छी ग्रोथ भी होगी, साल भर चलता है। ये परमानेंट प्लांट है और ये जो है इसकी कम केयर में चल जाती है, छोटे से छोटे प्लांट में भी ये हो जाते हैं। और उसके बाद है गोमपेरना। गोमपेरना में देखिए वाइट और एक जो है पिंक जगह जगह पर कहीं खिले हैं, तो यहाँ पर है देखिए पिंक वाले। ये सब जो है बहुत गर्मी में भी आपको फ्लावर्स देंगे, बहुत अच्छे से प्लांट भी अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेंगे। तो उसके बाद है पर्सलिन और पाचुलका के प्लांट्स, ये भी गर्मी में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं और फ्लावरिंग देते रहते हैं। अभी शाम का टाइम है तो फ्लावर मुरझाए हुए हैं, फ्लावर्स खिलने लगे हैं, अभी भी स्टार्ट हुए हैं, ज़्यादा फ्लावर्स भी नहीं खिल रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी अभी खिलना स्टार्ट हो गई है। तो उसके बाद है ये बेबी सनरोज, ये भी गर्मी में देखिए कितनी अच्छी सी हरी भरी ग्रोथ हो रही है इसकी, और अभी फ्लावर नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे कर हर इसमें फ्लावर आने लगेंगे इसमें भी। तो गर्मी में भी बहुत अच्छी सी ग्रोथ होती है, तो इसको भी जितना ज़्यादा गर्मी रहती है उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होती है और फ्लावर भी इसमें आते हैं और बहुत ही प्यारे से फ्लावर रहती हैं। एक बार जो फ्लावर खिल गए तो शाम में बंद हो जाएंगे, फिर अगले दिन वही फ्लावर खिलेंगे, ऐसे ही 3-4 दिन रहेंगे, उसके बाद उसे वो फ्लावर सूख जाएगा। तो इस तरह के ये एक प्लांट है। उसके बाद है फ्रेंड्स कनेर के। कनेर में बहुत सारे वैरायटीज और बहुत सारी कलर्स आपको मिल जाएंगे, लाइट पिंक, डार्क पिंक, येलो, वाइट। ये मेरे डार्क पिंक है, ये लाइट पिंक वाला था, ये डार्क है, ये वाइट सिंगल है, वाइट डबल है, ये थोड़ी सी ऑफ वाइट में है, थोड़ी सी क्रीमिश में है ये, और ये डबल पेटल वाइट में है। तो ये भी बहुत अच्छी सी ये फ्लावरिंग देंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला जो पौधा है आपका, ये भी गर्मी में बहुत अच्छी सी फ्लावर देता है, बहुत अच्छी सी ये ग्रोथ भी होती है। और अभी ये थोड़ी सी ये मेरी यहाँ थोड़ी सी इसको फंगस लग गई थी, तो थोड़ी सी फंगस वगैरह कुछ नहीं लगता है, थोड़ी सी इसकी वाइट एफेक्ट्स और मिली बग्स वगैरह इस तरह की थोड़ी सी लग जाती है, तो ये क्योर भी हो जाएंगे और ये भी मरता नहीं है, साल भर ये रहता है। लेकिन थोड़ी ज़्यादा गर्मी ना ये थोड़ी सी इसकी हालत ख़राब कर दी है, सारे पत्तियाँ इस तरह से सूख दिए हैं वो, तो ये भी अच्छा रहता है ये वाला। और ये गुड़हल के जो है, ये भी बहुत सारे वैरायटी में आता है फ्रेंड्स, ये वो कलर और रंग में, और देसी है, हाइब्रिड है सारे इसमें। देखिए कलियाँ कितनी सारी बनी हुई है, हर एक ब्रांच पर देखिए कितनी सारी कलियाँ बनी हुई है। तो ये तेज गर्मी में भी ये फ्लावरिंग देने लगेंगे और बहुत अच्छी सी ग्रोथ भी रहती है इसमें। वाइट में आते हैं, पिंक में आता है, पर्पल में आता है, सिंगल पेटल, डबल पेटल, तो ये सब आता है। ये डबल पेटल येलो वाला है देखिए इसकी, और यहाँ पर है ये डबल पेटल वाला, ये रेड वाला है मेरे पास। तो इस तरह के बहुत सारे आते हैं। तो ये सिंगल पेटल पिंक वाला है बड़ा सा, तो अभी इसमें भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, थोड़ी सी ये रुक दी है, मैंने कुछ दिन पहले इसका रिपोर्टिंग कर दिया था, तो ये तो अभी थोड़ी सी शॉक में है। और ये देसी वाला है देखिए, ये देसी वाला है सिंगल पेटल में, ये बहुत साल से मेरे पास है। तो ये सब जो है परमानेंट फ्लावर प्लांट है। और ये जो कनेर मैंने दिखाए थे उसी में डबल पेटल में जो है ये पिंक वाला है, और ये देसी हल्की सी खुशबू रहती है ये वाले देसी, और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी सी हो रही है। और देखिए कितने सारे फ्लावर्स जो है वो बने हुए हैं यहाँ पर, बहुत सारी फ्लावर समर में भी ये देता है। एक बार फ्लावर होने के बाद थोड़ी सी यहाँ से कट कर दो तो फिर से ये ग्रोथ आएगी और इस तरह से कलियाँ खिलने लगेंगी। उसके बाद है ये मैक्सिकन पेटोनिया। मैक्सिकन पेटोनिया में भी 3-4 कलर्स आते हैं और ड्राफ्ट वैरायटी में भी आता है इसमें, वाइट, पर्पल एंड
पिंक में आता है, ये पर्पल वाला है शायद, पिंक वाला भी मैंने ग्रो कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है, उसके बाद सारा साल ये फ्लावर देता है। और ये प्लांट विंटर में मरता नहीं है, डोरमेंसी में रहता है, तो अपने आप टाइम आने पर ये अपने आप ही ग्रो होता रहता है। ये भी वाला हिबिस्कस है मेरे पास, और ये नागचंपा प्लांट है, प्लूमेरिया का ही एक वैरायटी है। देखिए कितनी अच्छी सी ये फ्लावरिंग हो रहा है। तो ये भी तेज धूप में अच्छी रहती है, थोड़ी धूप ज़्यादा होने पर या टेम्परेचर होने पर ये थोड़ी सी साइज छोटा कर दी है, और ये थोड़ा अभी भी चल रहा है। तो इस तरह के जो है प्लांट्स है ये, जो आप तेज गर्मी में भी ग्रो कर सकते हैं, तो मेरे पास भी हैं। और ये प्लूमेरिया का, ये पिंक लाइट पिंक में वैरायटी है, और रेड वाला भी मैंने रिसेंटली एक कटिंग लगाई हूँ, तो किसी दिन मैं शेयर कर दूंगी। और ये है U4B मिली प्लांट जो है, ये भी साल भर फ्लावर देता ही रहता है। ये बहुत अच्छी और कम केयर वाली फ्लावर प्लांट है, और फ्लावर इतनी महीनों तक रहती है ना कि ये ज़रूर लगाना चाहिए ये वाला। और इसमें भी बहुत सारे कलर और बहुत सारे वेराइटीज़ आने लगी हैं। ये थोड़ी सी छोटी फ्लावर वाली वेराइटी है, पत्तियाँ भी छोटी रहते हैं इसका। ये वाले कटिंग से लगा हुआ प्लांट मुझे मेरे फ्रेंड ने दिए हैं, और ये कटिंग भी मेरे फ्रेंड ने दिए, मैं वहीं से लाकर लगाई हूँ। और ये गर्मी का फ्लावर हो और परमानेंट हो, तो इसमें बोगनविलिया को ज़रूर ऐड करना चाहिए। बहुत सारे कलर्स में आते हैं, बहुत सारे वैरायटी में आपको ये मिल जाएंगे, वाइट, येलो, पिंक, रेड, बहुत सारे कलर्स में ये मिल जाएंगे। ये भी बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग देंगे आपको। तो प्लूमेरिया का ही एक और देसी वाली वैरायटी है, इसमें भी फ्लावर्स अच्छे आते हैं, खुशबू रहती है धीमी धीमी सी, और देखने में बहुत सुंदर रहता है। देखिए इसमें ये रेड वाला जो है वो मैंने कटिंग कहीं नीचे से लगा के रखी है। तो इस तरह से मैंने कुछ परमानेंट फ्लावर प्लांट भी लगा के रखी हूँ, जो मेरे गर्मी में भी थोड़ी बहुत फ्लावर दिख रहे हैं। और उसके बाद ये भी देखिए, ये भी परमानेंट प्लांट है, ये भी 3 साल से मेरे यहाँ लगी हुई है, अलमंडा के। ये भी समर में और बारिश के दिनों में भी बहुत अच्छे से इसमें फ्लावर्स आते हैं, सिर्फ विंटर में ये डोरमेंसी में चला जाता है, उसके अलावा सारे ईयर ही इसको ग्रोथ होता है और फ्लावर भी आते ही रहते हैं इसमें। और फ्लावर इतनी खूबसूरत रहते हैं, खिलने के बाद इतनी बड़ी सी दिखती है। ये अभी शाम का टाइम है तो फ्लावर नहीं है इसमें। तो उसके बाद आप जो है फ्रेंड्स, कलर के लिए कुछ पौधे ऐड कर सकते हैं वो समर में, तो आपको ये जो प्लांट है इसका नाम भी मैं भूल रही हूँ, कोचिया, देखिए ये वाला भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे फ्लावर तो नहीं आएंगे, लेकिन बुशी सब बहुत अच्छी सी एक बॉल शेप ले लेंगी, तो ये बहुत ही अच्छे से लगे हुए रहेंगे। मैंने इस साल ग्रो किया है, मैंने लास्ट कभी भी नहीं ग्रो किया था इसको, सीड्स से मैंने इसे ग्रो किया है, तो काफ़ी अच्छे से ये चल रहे हैं। 6 पौधे हैं इसको, मैं देखिए मैंने धूप में रखा है, और ये 2 को मैंने छांव में रखा है, तो फर्क देख सकते हैं आप। तो इस तरह से हो गए हैं। तो उसके बाद मैं और एक फ्लावर आपको दिखाती हूँ, और ये भी आप रंग के लिए जो ऐड कर सकते हैं, तो ये है कैलेडियम। देखिए कहीं रंग इसमें आते हैं इसका, और देखने में बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियाँ रहती हैं, और मन को बहुत अच्छी सी लगती है। उसी तरह से आप ये वाले कोलियस भी आप लगा सकते हैं, बहुत सारे कोलियस प्लांट्स हैं। और ये देखिए मैंने सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट्स। तो इस तरह से बहुत सारे आप प्लांट जो है वो समर में लगा सकते हैं। और उसके बाद है फ्रेंड्स, आप समर में रोज प्लांट को मत भूलिएगा, रोज भी है, सारा साल ही फ्लावर देता ही रहता है आपको, हर सीजन में इसका फ्लावर रहता है। तो ये भी आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में, एक बार लगा लेंगे तो आप सालों साल आपको फ्लावर देते ही रहेंगे। और परमानेंट फ्लावर प्लांट हो और क्रोसेंड्रा नहीं हो तो कैसा, देखिए ये भी मैंने लगाए हैं, और इसी को देखिए इस तरह से मैंने जो ये बन जाते हैं, तो इसको यहाँ से पिंच कर इनको मैंने ऐसे ही डाल लेती हूँ, तो यहाँ पर अपने आप ही छोटे पौधे रेडी हो जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी सी परमानेंट फ्लावर प्लांट है, जो आपकी गार्डन में खूबसूरती ऐड कर सकती हैं समर में भी। समर है अभी, देखिए कितनी अच्छी सी इसमें ब्लूमिंग हो रही है, देखने में बहुत अच्छी सी लग रही है। तो इस तरह से कुछ
प्लांट्स हैं, आप सारे साल ही ग्रो कर सकते हैं, तो आप ही ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो मेरे यहाँ ज़्यादा फ्लावर प्लांट तो नहीं मिलता है और ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है, तेज़ धूप रहती है और नर्सरीज भी नहीं है, कम हो गया, नर्सरीज भी नहीं है। तो मैंने जो है कुछ परमानेंट प्लांट से अपने गार्डन को मैंने हमेशा फ्लावर से थोड़ी सी भरने की कोशिश की है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।